हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से देश विदेश में बरसों से कितने कितने सेवा कार्य चल रहे हैं, गिनती करना असंभव है। ऐसी एक महान सेवा शरद पूर्णिमा पर हर वर्ष बापू जी की आज्ञा से उनके आश्रमों द्वारा की जाती है। बापू जी के आश्रमों में दमा पीड़ितों को गाय के दूध से बनी खीर में दमे की औषधि मिलाकर पिलाई जाती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सत्संग, मंत्र जप आदि करवाकर फिर विधिवत बनाई गई औषधि युक्त खीर खिलाई जाती है, जिसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता। बापूजी के आश्रमों की सेवा से प्रेरित होकर अब अन्य कुछ संस्थाएं भी दमा औषधि का वितरण करने लगी है। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से हमारे अमरावती में भी समिति ने एक वर्ष इस प्रकार दमे के मरीजों को शरद पूर्णिमा की रात्रि में आश्रम में बुलाकर औषधि युक्त खीर खिलाई, उन्हें सत्साहित्य व कैलेंडर बांटे थे। हर वर्ष ऐसी सेवा किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, किंतु समिति के अमरावती शहर के सत्साहित्य केंद्र में दमे की औषधि निःशुल्क बांटी जाती है और साथ में एक पत्रक दिया जाता है जिसमें लेने की पूरी विधि छपी होती है। वो पढ़कर मरीज अपने घर पर ही सरलता से उसका प्रयोग कर सकते हैं। संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती द्वारा ये सेवा बरसों से चल रही है। हर वर्ष अखबारों में खबर छप जाती है और सोशल मीडिया में भी बहुत प्रचार किया जाता है। औषधि वितरण का स्थल व समय आदि सब जानकारी उस खबर में होती है। वो पढ़कर दमा के सैकड़ों मरीज औषधि का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष कली कोजागिरी पूर्णिमा है और आज 29 अक्टूबर को सुबह से शाम तक औषधि का निःशुल्क वितरण शुरू है। बहुत लोग आ रहे हैं, कईयों ने गत वर्षों के अपने अनुभव भी हमसे साझा किए हैं। विधिवत लेने वालों को लाभ होता ही है। 50 वर्षों में पूज्य बापू जी की करुणा से कितने लोग रोग मुक्त हुए, कितने व्यसन मुक्त हुए, कितने चिंता मुक्त हुए, कितने झंझट मुक्त हुए, कितने शोक मुक्त हुए, संताप मुक्त हुए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव है। जय गुरुदेव।